हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। अगर आप भी कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप का इंतजार तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट भी बताइए कौन सी आपकी फेवरेट टीम। जी हाँ दोस्तों, आज हम बताएंगे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड टीम के 15 सदस्यों की स्क्वाड का अनाउंस कर दिया है, जिसमें तीन बड़े चेहरे शामिल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप के स्टार परफॉर्मर बेन स्टोक्स को T20 वर्ल्ड कप के लिए नहीं चुना गया है, ये बहुत ही बड़ी न्यूज है। बात करें दूसरे प्लेयर तो तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को भी टीम में मौका नहीं मिला है, और बात करें सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर जो रूट को इस बार टीम के लिए नहीं चुना गया है। तो आपको क्या लगता है, इन तीन बड़े प्लेयर के बिना इंग्लैंड टीम एक बार फिर फाइनल में पहुंचकर जगह बनाएगी या फिर पहले ही बाहर हो जाएगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बात करते हैं 15 सदस्यीय टीम की, तो टीम का कप्तान बनाया गया है यान मॉर्गन को। जी हाँ दोस्तों, टीम का कप्तान यान मॉर्गन को बनाया गया है। बात करें वॉइस कप्तान की तो वॉइस कप्तान मोइन अली को बनाया गया है। बात करें नंबर तीन प्लेयर की तो जॉनी बेरेस्टो को टीम में जगह मिली है। बात करें नंबर चार की तो चार नंबर पर क्रिस जॉर्डन को भी टीम में चुना गया है। नंबर पाँच की बात करें तो सैम बिलिंग्स को भी इस बार T20 वर्ल्ड कप के लिए चुना गया है। नंबर छः की बात करें तो विकेट कीपर बैट्समैन जोस बटलर को भी टीम में शामिल किया गया है। सात नंबर पर बात करें तो ऑलराउंडर प्लेयर सैम करन को टीम में जगह मिली है, और आठ नंबर पर बात करें तो लियाम लिविंगस्टोन सबसे खतरनाक प्लेयर को इस बार टीम में जगह मिली है। नंबर नौ पर बात करें तो डेविड मलान T20 के बेस्ट प्लेयर को जगह मिली है। नंबर दस पर बात करें तो टीम मिल्स को भी इस बार टीम के लिए चुना गया है। नंबर ग्यारह पर बात करें तो आदिल राशिद को टीम में जगह मिली है। नंबर बारह पर बात करें तो जसान रॉय खतरनाक बैट्समैन को भी टीम में जगह मिली है। नंबर तेरह पर बात करें तो डेविड विली बाएं हाथ की गेंदबाज को इस बार टीम के लिए चुना गया है। नंबर 14 पर बात करें तो क्रिस वॉक्स को भी टीम में चुना गया है। नंबर 15 पर बात करें तो तेज गेंदबाज मार्क वुड को भी टीम में शामिल किया गया है। तो आपको क्या लगता है, इंग्लैंड टीम इन 15 सदस्यों के टीम के साथ फाइनल में पहुंच पाएगी या नहीं, या पहले ही बाहर हो जाएगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और क्या इन तीन बड़े प्लेयर का इंग्लैंड टीम पर कोई फर्क पड़ने वाला है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए।